ओम शांति। चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज आदरणीय दादी जानकी जी का ट्रिपल ओम शांति सभी को स्वीकार हो। दादी हमसे कहती हैं, पहली बार ओम शांति कहने से हम लाइट हो जाते हैं, दूसरी बार ओम शांति कहने से हमारे अंदर माइट आ जाती है, शक्ति, और तीसरी बार ओम शांति कहने से हमारे आसपास सब कुछ राइट हो जाता है, है ना? अच्छी बात। तो दादी के रिस्पॉन्ड में सभी प्रेम से एक बार कहेंगे ओम शांति। ये बहुत ही अर्थ सहित शब्द है ओम शांति। ये सिर्फ एक दूसरे को विश करने के लिए नहीं है, जैसे आप हेलो गुड मॉर्निंग विश करते हैं, लेकिन इसका अर्थ है ओम। इस शब्द को अगर आप संधि विशेष करें तो तीन अल्फाबेट्स आते हैं, अ उ म। अ अर्थात आचरण, उ अर्थात उच्चारण, हमारा स्पीच, वर्ड्स, और म अर्थात मनसा, हमारे थॉट्स। आचरण हमारा व्यवहार, बिहेवियर। तो जब हम अपने थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस तीनों में शांत है तो है रियल शांति। आप सब यहाँ बैठे हैं, अभी सेशन सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर आपका एक डायलॉग चल रहा है ना? सेशन पूरा होगा फिर यहाँ जाना है, भोजन करना है। जब ये इनर जो डायलॉग कांस्टेंट हमारे अंदर चलता है, जब वहाँ पीस आ जाएगी तब हम रियल लाइफ में पीस एक्सपीरियंस करेंगे। क्योंकि मेडिटेशन, एवरी मेडिटेशन इज डिजाइंड टू गिव यू पीस। ऐसे तो हम जो चाहें वो मेडिटेशन से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जैसे कुछ लोग पीस के लिए करते, कुछ पावर के लिए, कुछ हेल्थ के लिए, राजयोग मेडिटेशन हमें सिर्फ मोमेंट्री पीस नहीं देता लेकिन हमारे जीवन को ही पीसफुल बनाता है। अर्थात आप सब जानते हैं कि इस शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, पानी चाहिए, जिसका स्टॉक हम अपने घर में पहले से ही रखते हैं। ऐसे तो नहीं कि अभी भूख लगी है और अभी गेहूं का बीज बोने जाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। अभी प्यास लगी है अभी कुआं खोदने जाएंगे, नहीं, पहले से ही घर में स्टॉक रखते हैं। इसी प्रकार जीवन में, रोज़ाना जिंदगी में कई ऐसे डिस्टर्बिंग पीपल, डिस्टर्बिंग सिचुएशंस, ऐसी बातें आती हैं। उस समय अगर आप कहें, मान लीजिए किसी के साथ कोई पॉइंट पर आर्ग्यूमेंट हो गई, अनबन हो गई, आपकी सारी पीस चली गई, और उस समय आप एक कोने में बैठ जाइए, आंख बंद करके मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे ये सोचकर कि वो शांति मैं वापस पा लूँ, तो उस समय पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस समय सारे थॉट्स डिस्टर्ब्ड हैं। तो पहले से ही राजयोग मेडिटेशन से हम पीस का स्टॉक जमा रखते हैं, ताकि ऐसी कोई भी सिचुएशन, लोग हमारी ज़िंदगी में आए, चैलेंजेस, तो भी हम
पीसफुल रहें, स्टेबल रहें, सीरीन रहें और हमारे अंदर की ट्रैंक्विलिटी बनी रहे, है ना अच्छी बात। और वही एक्सपीरियंस करने के लिए आज आप इस सेशन में आए हैं। कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ तेरा ठिकाना, ए मुसाफिर बता दे कहाँ है तुझे जाना। ये पहेली हर मानव मन में उठती है, स्वाभाविक है, और इस पहेली का हल आज मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन में आपको प्राप्त हुआ। अपने जीवन का कंप्लीट पर्पस आप इस त्रिदिवसीय रिट्रीट में ज़रूर पाएंगे। और सचमुच आप सभी लकी स्टार्स हैं, प्योरिटी पसंद करने वाले स्टार्स हैं, पॉजिटिविटी को लाइक करने वाले स्टार्स हैं, तभी आप सभी यहाँ पर पहुँचे हैं, है ना। अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो नहीं पहुँचते। तो अपने आप को जाने पहचाने, क्योंकि इससे आप अपने जीवन को और बेहतर, सुंदर, बेटर, श्रेष्ठ और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। हम सभी नींद करते हैं, ठीक है। नींद में सबकी ये दो आंखें बंद होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सभी ड्रीम्स देखते हैं। कौन सी आंख से देखते हैं? मन की आंख से, और इनर आई, थर्ड आई। मतलब हम सबके पास एक और आंख है, थर्ड आई है सबके पास। हाँ, खुली है या बंद है? खुली है या यहाँ आके खुल रही है? अभी खुल रही है। ओके, इस सेशन में आपको वो थर्ड आई खोलनी है। तो आप उस थर्ड आई से जब इस संसार को, लोगों को, रिश्तों को, अपने प्रोफेशन को, सिचुएशंस, चैलेंजेस, ये जो कुछ भी देखेंगे, बहुत डिफरेंट नज़रिया होगा, जिससे आप बहुत इजी अपना जीवन सहज कर पाएंगे। नहीं तो कोई भी सिचुएशन, चैलेंज, स्ट्रेस की बात आती है तो नीचे ऊपर हो जाते हैं। जैसे जिस सिटी में अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ स्टेबलाइज़र लगाया जाता है ताकि वो गैजेट ख़राब ना हो जाए। तो मेडिटेशन स्टेबलाइज़र का कार्य करता है ताकि कोई भी प्रेशर्स आए, पुशेस आए, पुल्स आए ज़िंदगी में, लेकिन हम स्टेबल रहें। सभी चाहते हैं ऐसा, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आपने यहाँ नॉलेज तो प्राप्त की, आज सुबह से काफ़ी सेशंस सुने, लेकिन उसको अब हम एक्सपीरियंस करेंगे, फील करेंगे। आप कहेंगे हमने तो आत्मा को देखा नहीं है, अपने आप को जाना, हम कौन हैं? आज सुबह सुना कौन है हम? आत्मा, सोल, कॉन्शियसनेस, जीवन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी, ह्यूमन सोल। इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकते, लेकिन फैन, एसी, कूलर, ट्यूबलाइट, ये सब चल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। तो मैं आत्मा ने ये शरीर धारण किया है,
जो पांच तत्वों से बना है, वंडरफुल अरेंजमेंट केमिकल्स पार्टिकल्स का, पांच तत्वों का इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन से बना ये कॉस्ट्यूम हम सबको मिला है। ये कॉस्ट्यूम को कोई मैन्युफैक्चर कर सकता है? दुनिया में कोई भी कर सकता है? कितना ब्यूटीफुल, कितनी ब्यूटीफुल वर्किंग है इस ह्यूमन एनर्जी की, लाइफ एनर्जी की, इस कॉस्ट्यूम के माध्यम से। हम बहुत कुछ इसके माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं और बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आउटगोइंग भी है, इनकमिंग भी है। कभी समझने की कोशिश की कि कैसी ब्यूटीफुल वर्किंग है ह्यूमन लाइफ की। ह्यूमन लाइफ का, इस कॉस्ट्यूम का मैनुअल आपको यहां प्राप्त होगा। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले आते हैं तो उसके साथ इंस्ट्रक्शंस की बुकलेट तो आती है, राइट? वो पढ़ कर के ही हम यूज़ करते हैं। अगर वो पढ़े बिना यूज़ करें तो खराब भी हो सकती है और फिर कहेंगे अरे हमने पढ़ा नहीं। तो ऐसे ही हमारी जीवन जीने की जो इस कॉस्ट्यूम को से कैसे हमको जीवन जीना है, कैसे इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है, ये मैनुअल है आपके पास? है सबके पास? है? बिल्कुल ऐसा ही आंसर एक्सपेक्टेड था, नहीं है, हमें तो मिला ही नहीं, गुम हो गई किताब। इसलिए ये बहुत ब्यूटीफुल बात है कि हम सब आत्माओं के अंदर, हम सब ह्यूमन सोल एनर्जी के अंदर ये इनबिल्ट है सिस्टम। हम सबके पास फोन है, फोन के अंदर बेसिक प्रोग्राम्स फिक्स है, बाकी अपनी ज़रूरत के अनुसार आप जो भी डाउनलोड करें ऐप्स, वो आपके ऊपर है, राइट? लेकिन बेसिक सबका है। तो हम सब के अंदर बेसिक ऐप्स हैं जो इनबिल्ट है और वो उसको हम कहते हैं कॉन्शियंस। जब भी हम कुछ, हमसे कुछ गलत हो रहा है या कुछ आसपास ठीक नहीं है, आप फील करते हैं, आपको पता चलता है, अंदर से आवाज़ आती है, नॉक नॉक, कुछ ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। होता है ऐसा फील होता है? लेकिन कई बार हम ध्यान देते हैं, कई बार हम ध्यान नहीं देते। तो मेडिटेशन में उस इनर वॉइस को हम ध्यान से सुनते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में हार्मनी ले आते हैं और उसी थर्ड आई से अब हम स्वयं को देखेंगे। आज आपने अपने आप के बारे में जाना कंप्लीटली, अच्छी तरह से हम कौन हैं जाना। कैसे ब्यूटीफुली एनर्जी और कॉस्ट्यूम की वर्किंग है, इसको अब हम एक्सपीरियंस करेंगे। मस्तिष्क को समय अनुसार सही संकेत देने वाला कौन है? क्या शरीर विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र है जिसमें जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं? तंत्रिका प्रणाली का संचालन, हार्मोन्स को प्रभावित करना, रक्त संचालन, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया आदि के संकेत कौन भेजता है? मृत्यु पर्यंत शरीर की क्रिया प्रणालियों को सुचारू रूप से कौन चलाता है? जरा सोचें, संकल्प कहां से उत्पन्न होते हैं? देह के साथ उनके अंत व्यवहार कैसे होते हैं? क्या विचारों का मूल स्रोत मस्तिष्क है
या मस्तिष्क का भी संचालन करने वाला कोई और है? क्या संकल्प भौतिक है या पराभौतिक? परमाणु एवं अणु से निर्मित इस परिवर्तनशील दुनिया में कुछ पराभौतिक चीजें भी हैं, जिन्हें न तो किसी माइक्रोस्कोप और दूरबीन से देखा जा सकता है और न ही किसी उपकरण से मापा ही जा सकता है। वास्तव में ऐसा कोई भी उपकरण अब तक न तो बना है और न ही बनाया जा सकता है। उनको खोज निकालने की एकमात्र विधि है अंतर्मुखी हो गहन शांति में स्थित होना। आइए अब हम एक अनुपम यात्रा प्रारंभ करें और स्वयं के विषय में उस सनातन सत्य को खोज निकालें, जिससे हमें पूरा ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होगा कि मैं कौन हूं। चेतन दिव्य प्रकाश बिंदु रूप हूँ, एक पराभौतिक सत्ता हूँ। जब तक मैं आत्मा इस देह में हूँ, तब तक ये कहा जाता है कि देह जीवित है। जब मैं आत्मा देह से निकल जाती हूँ, तो शरीर शव हो जाता है। इस घटना को ही मृत्यु कहते हैं, किंतु फिर भी आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। वो सदैव जीवित है। आत्मा को ही प्राण कहते हैं। आत्मा ही प्राण ऊर्जा है। मैं आत्मा ही सोचती हूँ, निर्णय करती हूँ और देह द्वारा जाने अनजाने किए गए सभी कर्मों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मुझ आत्मा में ही सारे संस्कार समाहित हैं तथा मुझ में ही स्मृतियां भरी हैं। जी हाँ, मैं ही आत्मा हूं और आत्मा ही है जो मैं हूं। ये कहना उचित होगा कि मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा, क्योंकि आप आत्मा हो और जो आपका है वो शरीर है। मैं अति सूक्ष्म हूं, मैं अविभाज्य हूं। कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, हवा मुझे उड़ा नहीं सकती और पानी मुझे भिगो नहीं सकता। कोई भी भौतिक पदार्थ मुझ आत्मा के पथ को रोक नहीं सकता। मैं आत्मा अविनाशी हूं और मेरा अस्तित्व सनातन है। मस्तिष्क के बीच में भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हूं, यहीं पर विराजमान हूं। मैं आत्मा शरीर की सभी इंद्रियों का मस्तिष्क द्वारा संचालन करती हूं। मुझ सूक्ष्म प्रकाश पुंज में ही अनगिनत प्रक्रियाएं चलती हैं। मुझ में ही देव के विभिन्न अंगों के संचालन, मानसिक चिंतन से लेकर अपने भविष्य के भाग्य को निर्धारित करने तक की बातें शामिल हैं। सेल्फ की नॉलेज तो प्राप्त की, लेकिन उसे एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपीरियंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज तक अपने आप को बॉडी समझकर जीवन जीते आए, लेकिन वैसी रिजल्ट्स नहीं मिली। लेकिन अब से, अब जब आप अपने आप को आत्मनिश्चय कर लाइफ एनर्जी और कॉस्ट्यूम इस रिलेशन को एक्सपीरियंस करके जब जीवन जिएंगे, तो आपका जीवन हर पल ग्रो होता रहेगा। क्योंकि हर सोल की यही इच्छा है
हमने ये कॉस्ट्यूम लिया ही इसलिए है टू ग्रो, टू एक्सपैंड कॉन्शियसनेस. तो उस कॉन्शियसनेस को जानना तो जरूरी है. एक बलून सेलर से आकर बच्चे ने पूछा, अंकल अंकल ये काला बलून भी उड़ेगा? उसने कहा हाँ बेटा, क्योंकि बलून कलर से नहीं उड़ता, उसके अंदर हीलियम गैस के कारण. तो हम सब का जो कॉस्ट्यूम है वो बाहरी है, वो कोई भी मॉडल हो, लेकिन उसके अंदर जो टाइप ऑफ एनर्जी है उसकी क्वालिटी को हम निखारेंगे. तो निखारने के लिए पहले खुद को जानना, अनुभव करना, उस स्वरूप में स्थित होना. अब पानी को हमने इस बॉटल में डाला है तो उस पानी ने इस बॉटल की शेप ले ली. अगर ग्लास में रखा है तो उस पानी ने ग्लास की शेप ले ली. इसी प्रकार हम सब जीवन ऊर्जा हैं, शक्ति हैं, अनंत शक्ति. और वो जैसे ये शरीर धारण करती है तो उस शरीर का शेप में वो उनका ऑरा बनता रहता है, वो रेडिएट करती रहती हैं अपनी एनर्जी, अपनी लाइट, प्रकाश. सभी तैयार हैं अपने को एक्सपीरियंस करने के लिए? तो साइलेंस में बैठेंगे और हम आपको कुछ पॉजिटिव थॉट्स देते जाएंगे. अब जानते हैं, छोटे बच्चे कुछ साल पहले बच्चों को उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स स्टोरी सुनाया करते थे. बेटा एक जंगल था, उसमें एक राजा अपने सिपाहियों के साथ, मंत्री के साथ शिकार करने गया. इस तरह से स्टोरी सुनाया करते थे और बच्चे उस ढंग से विजुलाइज करते थे. आप विजुलाइज कर सकते हैं? है विजुलाइजेशन पावर सब में है? ओके, तो ऐसी विजुलाइजेशन पावर यूज करेंगे और स्वयं को हम अनुभव करेंगे कुछ मिनटों के लिए. कुछ समय के लिए आसपास के वातावरण से स्वयं को अलग कर दें. मेरे आसपास हो रही आवाजें और हलचलों से मैं अलग हूं. मैं इस देह से भी अलग हूं. तो मैं कौन हूं? अपने आप से पूछो. भीतर से उत्तर आएगा, मैं चैतन्य शक्ति हूं, आत्मा हूं, जीवन ऊर्जा हूं. मस्तक के मध्य ब्रकुटी के बीच में विराजमान हूं. शाइनिंग स्टार हूं, डिवाइन स्टार. शाश्वत सत्ता हूं, अनंत शक्ति हूं. मैं आत्मा, अजर अमर अविनाशी हूं. मुझ आत्मा ने पांच
पांच तत्वों से बना यह शरीर धारण किया है। इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनय करने जो मेरे अंदर है उसका अभिनय करने और जो बाहर है उसे अनुभव करने। मैं आत्मा मस्तक के मध्य में अकाल तख्त पर स्थित हूँ। जीवन ऊर्जा सर्वत्र शरीर में फैली है। यह शरीर इंस्ट्रूमेंट है। मैं इसे यूज करने वाली आत्मा शक्ति हूं। मेरी शक्ति आंखों द्वारा देखने में यूज होती है, कानों द्वारा सुनते हैं, मुख द्वारा बोलते हैं, हाथों द्वारा गर्म करती हैं, पैरों से चलने का कार्य करती हैं। मुझ आत्मा ने ऐसे कई देह धारण किए हैं और कई देह परित्याग किए हैं। इसलिए मैं निर्भय हूं। अपने नए स्वरूप को देख रही हूं। असली स्वरूप को पहचान रही हूं। जैसे मैं स्वयं ही स्वयं को पहली बार देख रही हूं। कितना अच्छा लग रहा है, नया लग रहा है। बहुत ही लाइट हल्का फील कर रही हूं मैं आत्मा। रिलैक्स्ड फील कर रही हूं। इस कॉस्ट्यूम में मेरे पैर रिलैक्स्ड हैं, टांगे रिलैक्स्ड हैं,
back relaxed, shoulder relaxed, neck relaxed. Face ke muscles relaxed. Body ka har cell relax feel kar rahe hain. Kuch second apne is swaroop ko feel kare. अभी सभी एक्सपीरियंस किया आत्मा यहाँ स्थित है. अब अपने इंडेक्स फिंगर से, ये फिंगर से सभी यहाँ पर कुछ सेकंड्स होल्ड करें, प्रेस करें हल्का सा. सेंटर ऑफ द फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज के ऊपर. अपनी ब्रीदिंग डीप करें और स्लो करें. ठीक है, अब सभी इसी आत्मिक स्वरूप में फिंगर को हटाएंगे, इसी एक्सपीरियंस के साथ सभी खड़े हो जाएंगे. और आपके पास में जो हैं इस एक्सरसाइज के लिए, अपने पार्टनर को फेस टू फेस टर्न करिए. आमने सामने देख सकते हैं आत्मा सेंटर ऑफ द फोरहेड में स्थित है, जो इस शरीर में है. अगर वो एनर्जी नहीं रहे तो एनर्जी बिना कॉस्ट्यूम क्या होगा? सिर्फ ह्यूमन बॉडी.
महसूस कर सकते हैं एक दूसरे को, स्वयं को आत्मनिश्चय किए अब दूसरों को भी देख सकते हैं आत्मिक स्वरूप में। इसी स्वरूप में स्माइल करें, शेक हैंड करें, ग्रीट करें। ओके, टेक योर सीट्स। ये एक एक्सरसाइज थी कुछ सेकेंड्स की, लेकिन ऐसी ही प्रैक्टिस आपको रोज़ाना ज़िंदगी में करनी है। आप जानते हैं ह्यूमन लाइफ की, इस कॉस्ट्यूम की ब्यूटीफुल बात क्या है? इस पूरे प्लैनेट पर जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती, ये पांच तत्व जिस प्रपोर्शन में हैं, जो इस पूरे प्लैनेट पे उसका रेशियो है, एग्जैक्टली सेम उसी रेशियो में हमारे कॉस्ट्यूम में वही पांच तत्व हैं। इसलिए जो सेल्फ को रूल कर सकते वो वर्ल्ड को कर सकते। तो ये बहुत ब्यूटीफुल बात है। मैं आत्मा एनर्जी हूं, पावर हूं, और कॉस्ट्यूम ये पूरे प्लैनेट का एग्जैक्ट प्रपोर्शन हमारे साथ है। और ये प्रैक्टिस करना, सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है, इसके बहुत प्रैक्टिकली जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब आप अपने कार्यस्थल पे जाएंगे, तो बहुत बेनिफिट्स हैं। आप अपनी पीस को बनाए रख सकेंगे। बाहरी बातें नीचे ऊपर होंगी, लेकिन आप शांत। साइलेंस इज एब्सेंस ऑफ स्पीच। कहीं भी आप जाते हैं, बोर्ड लगा रहता है, साइलेंस प्लीज। पीस मन की शांति है, जब मन शांत है। और पीस ऑफ माइंड ये वे ऑफ लाइफ है। आप यहां सिर्फ 3 दिन पीस एक्सपीरियंस करने नहीं आए हैं, लेकिन अपनी लाइफ को ही पीसफुल बनाने आए हैं। लाइफस्टाइल आपकी चेंज हो जाएगी, ऐसी पीसफुल कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, भले बाहरी रूप से कोई चैलेंजिंग सिचुएशन डिमांड करेगी कि आप फास्ट काम करो, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हैं बहुत एक्टिव, अलर्ट, अटेंटिव रहना है, लेकिन उसके साथ साथ अंदर आपका मन स्टेबल होगा, शांत होगा। जिस तरीके से अगर समुद्र में तूफान आ रहा है, लेकिन जितना आप सागर के तले में जाएंगे उतना ही शांत होता है, पता भी नहीं चलेगा कि ऊपर तूफान आ रहा है। इसलिए ये मेडिटेशन प्रैक्टिस रोज़ाना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप में से कोई ये भी सोचते होंगे कि हम तो प्रोफेशनल्स हैं, हमको तो टाइम ही नहीं मिलता है, हम कहाँ से इन बातों के लिए टाइम निकाले, ज्ञान ध्यान के लिए। और इसलिए कुछ लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि ये सब 60 एज के बाद या रिटायरमेंट के बाद उसके लिए है। एक समय था जब हम सुनते थे बीपी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम सब अबाउ 60 वालों को ही होता है, लेकिन अभी तो यंग एज में भी होता है, बच्चों को भी होता है बीपी, शुगर। तो अभी वो समय नहीं है, क्योंकि अभी हर आत्मा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पेन से गुजर रही है। और मेडिटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मेडिराई। मेडिराई मतलब टू हील।
हील करना। मान लीजिए शरीर पर चोट लगती है तो आप ऑइंटमेंट लगाते हैं, शरीर में कहीं कुछ हिस्सा जल जाता है तो ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, कोई भी पेन हो तो दवाई कर सकते हैं, जेल लगा सकते हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन एनर्जीज खुद क्रोध करते हैं या किसी ने हम पर किया या किसी ने अपशब्द से हमको हर्ट किया, हमको चोट लगी, होता है ना हर्ट, तो उस समय कौन सी ऑइंटमेंट लगाते हैं? है आपके पास ऑइंटमेंट? किसके पास है? कहते हैं ना बहुत जी जलाया, इसने ऐसे शब्द कहे, मन जल गया। है आपके पास ऑइंटमेंट? किसके पास है? मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन माना हील करना, अपने मन को हील करना। आपने देखा होगा जो भी हीलिंग प्लेसेस हैं, चाहे हॉस्पिटल, केमिस्ट की दुकान, एम्बुलेंस, सब जगह पे प्लस साइन होता है ना, प्लस माना पॉजिटिव। सो मेडिटेशन माना पॉजिटिव थिंकिंग, अपने विचारों को पॉजिटिव करने से अपने आप सब कुछ हील हो जाएगा। भले सिचुएशन बाहर से आई है लेकिन आपका मन हील होता रहेगा। करेंगे अपने आप को हील? क्योंकि आज जो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी सभी फेस करते हैं, अब साइंस ने प्रूव किया है कि जैसे हमने आपको बताया कि लाइट है, एनर्जी, जीवन ऊर्जा, उसने ये शेप ले ली जैसे पानी ने, वैसे हमारी लाइट, जीवन ऊर्जा ने ये शरीर का शेप लिया है, जिसे ऑरा के रूप में आपने कभी पिक्चर देखी होगी, वो है हमारी एटर्नल बॉडी, एटर्नल बॉडी, लाइट की बॉडी, जो भी आप कहें। उसके बाद वो लाइट कांस्टेंट सोच रही है, उसका मन चल रहा है। मन चलता है? जैसे सागर में लहरें उठती है वैसे मन में थॉट्स उठते ही रहते हैं। कभी थॉट्स स्टॉप हो सकते हैं? हो सकते हैं। एक मिनट के लिए हम आपसे कहें कि आप कुछ नहीं सोचिए, तो आपका मन ये सोचेगा, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं सोचना, है ना? तो वो भी तो विचार ही हैं, तो विचारों के बिना तो हम नहीं रह सकते। तो ये एटर्नल बॉडी जो आत्मा है, ह्यूमन एनर्जी, ये कॉन्स्टेंटली थॉट्स क्रिएट कर रही है। तो वो जो थॉट्स हैं हमारे जो बॉडी का शेप ले रहे हैं, उसे मेंटल बॉडी कहते हैं। और जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं, वैसे हमारे इमोशंस डेवलप होने लगते हैं। तो तीसरा है हमारी इमोशनल बॉडी। और साइंस ने प्रूव किया है कि ये जो हमारी फिजिकल बॉडी आपको दिखाई दे रही है, जो पांच तत्वों से बनी है, सभी दो आंखों से देख सकते हैं, ये फिजिकल बॉडी इज एग्जैक्ट रेप्लिका, ज़ेरॉक्स कॉपी ऑफ इमोशनल बॉडी। इसलिए अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो वहां उस तरीके के इमोशंस को आप हील कर दो, चेंज कर दो, ठीक कर दो, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। सुना है आपने? डॉक्टर साहब भी पहले यही सुना रहे थे कि कैसे इमोशंस हमारी हेल्थ को ठीक करते हैं। एटर्नल बॉडी लाइट की बॉडी, मेंटल बॉडी जो थॉट्स से बनती, फिर इमोशनल बॉडी, और फिर आप देख रहे हैं फिजिकल बॉडी। तो मेडिटेशन हील करता है, एक्सपेरिमेंट करें। आप सब याद करें उस व्यक्ति को जो आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट है, जो आपके अपनी दुनिया के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ज़रूरी है, आपके साथ है, आपको पसंद भी है, लेकिन उस व्यक्ति का कोई ऐसा बिहेवियर आपको पसंद नहीं है, उसका कोई
ऐसा एटीट्यूड आपको पसंद नहीं है या उसकी कोई ऐसी विचारधारा है जो आपको पसंद नहीं है। याद आया सबको ऐसा कोई व्यक्ति? याद आया? हाथ खड़ा करें, सभी याद कर सकते हैं। ओके, अब एक्सरसाइज करते हैं। सभी आंख बंद करेंगे, अपने विचारों से थर्ड आई से विजुलाइज करेंगे आपके पास वो व्यक्ति बैठे हैं जो आपकी जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको पसंद है, बहुत सी बातें पसंद है, लेकिन कोई ऐसा बिहेवियर, एटीट्यूड, कोई ऐसी बात उनकी हमें अच्छी नहीं लगती। अब हम न अच्छी लगने वाले एटीट्यूड, बात, विचार, वो बिहेवियर जो उनमें नहीं अच्छा लगता, उसे उनसे अलग कर दें, दूर कर दें, हटा दें और अब अपनी थर्ड आई से उस पर्सनालिटी को देखें, उस स्वरूप को देखें, उस पर्सन के अंदर ब्यूटीफुल क्वालिटीज वाली आत्मा को देखें, एनर्जी को देखें, अब आंखें खोलें, कैसा लग रहा है? अब वो व्यक्ति कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ना? तो मेडिटेशन अर्थात हम फोकस उन बातों पर करते हैं जो मुझे पसंद है, जो मुझे अचीव करना है, जो मुझे चाहिए, जो मेरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, ना कि उन बातों पर जो मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे नापसंद है। क्लियर? व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन को हिंदी में कहते हैं ध्यान लगाना। सुना है आपने? ध्यान लगाना। तो जब हम ध्यान अपना फोकस उस पर करते हैं जो मुझे पसंद है, जो मुझे चाहिए, जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे लिए ज़रूरी है, जो मुझे अचीव करना है, वो है मेडिटेशन। इजी है? इजी है? आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। चलिए एक बार फिर एक्सरसाइज करते हैं। शांति में बैठेंगे, अपने अंतर चक्षु से स्वयं को देखेंगे और अंतर जगत की यात्रा करेंगे। अपने ध्यान को केंद्रित करें मस्तक के मध्य में, अपनी ब्राइट शाइनिंग डिवाइन स्टार को देखें, शक्ति को पहचाने। मैं आत्मा जिसकी तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, विचार करने वाली, इच्छा रखने वाली, महसूस करने वाली, मैं शक्ति हूँ, आत्मा हूँ। अब अपने
मन रूपी वाहन में बैठकर अंतर जगत की यात्रा करेंगे। और देखें मेरे अंतर जगत में कई विचार हैं, कई भावनाएं हैं, बहुत सी आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, कुछ कल्पनाएं हैं, मेरी अपनी ही क्वालिटीज है, मेरे अपने कुछ इंटरेस्ट है, मेरी कुछ पसंदें हैं, कुछ नापसंदें हैं, ये सब कुछ मेरे अंतर जगत में बिखरा पड़ा है। अब मैं आत्मा अपने अंतर जगत में कुछ परिवर्तन करती हूँ। मैं सुखदायी स्मृतियों को सजा रही हूँ। अच्छी भावनाओं को बढ़ा रही हूँ। श्रेष्ठ वृत्तियों को प्रज्वलित कर रही हूँ। और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स की पालना कर रही हूँ। इस पॉजिटिविटी में कितना सुकून है। मेरे अंतर जगत में अब मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया। बहुत सुंदर व्यवस्था है। और मैं आत्मा शांत अवस्था महसूस कर रही हूँ। हल्कापन और सच्ची शांति अब मेरे अंतर घर में सब कुछ सुंदर हो गया है। कुछ क्षणों के लिए अपने अंतर जगत में रहें।
आत्म दर्शन स्वयं का दर्शन आत्म दर्शन स्वयं का दर्शन आत्म ज्योति जगा ले बुझी हुई जगा कर ज्योति स्वराज फिर पाले आत्म दर्शन स्वयं का दर्शन पे बैठा सुख संपत्ति हो भारी स्वराज की रक्षा कर तू स्वराज की रक्षा कर तू स्वयं का पहरा लगा ले आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन ये एक सैंपल था कि कैसे आप स्वयं अपने थॉट्स फीलिंग्स बिहेवियर को आप जैसे चाहे चेंज कर सकते हैं जिससे आपकी बाहरी जो सिचुएशन है जो बाहरी वर्ल्ड दिखाई दे रही है वो वैसी होगी एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हैं. हम सब ह्यूमन बीइंग्स का जो लक्ष्य है ग्रोथ एक्सपेंशन रीच टू दैट स्टेट ऑफ ब्लिस जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम एंजॉय कर रहे हैं सब कुछ अच्छा लग रहा है सब कुछ व्यवस्थित है और ठीक है. तो हम सब ह्यूमन बीइंग्स सबसे पहले इच्छा करते हैं. सबके मन में इच्छाएं हैं है? कोई ना कोई इच्छाएं हैं कांस्टेंट चलती रहती है. वो इच्छा जो है वो हमारे विचार के रूप में चलती है हमारे थॉट्स उठते हैं. लेकिन ये मेरे थॉट्स राइट हैं या नहीं ये मेरे थॉट्स इच्छा के अनुसार हैं या नहीं उसका बैरोमीटर है फीलिंग्स. जब आपके थॉट्स आपकी इच्छा के मैचिंग होंगे तो आप गुड फील करेंगे और अगर इच्छा के अनुसार नहीं है तो आप बैड फील करेंगे. इसका मतलब मान लीजिए मदर चाहती है कि बच्चा पढ़ाई करे ये उसकी इच्छा है वो बहुत अच्छे नंबर लाए फर्स्ट आए ये उसकी इच्छा है. लेकिन वो जो सामने आंखों से देख रही है सिचुएशन ये है कि वो नहीं पढ़ रहा है उसका सारा ध्यान खेलने में और सोशल मीडिया पर है. इच्छा क्या है फर्स्ट आ जाए लेकिन वैसा दिखाई नहीं दे रहा है. तो मन में थॉट्स कौन से उठते हैं लगता तो नहीं है ये पास होगा लक्षण तो दिखते ही नहीं है तो बैड फील करेंगे क्योंकि इच्छा के अनुसार थॉट्स नहीं हैं. प्रेजेंट सिचुएशन ने मेरे थॉट्स को चेंज कर दिया तो या मैं थॉट्स को चेंज करूं लेकिन थॉट्स का ट्रैक रख नहीं सकती क्योंकि कांस्टेंट चलते रहते तो क्यों ना हम फीलिंग्स को अच्छा बनाएं. तो मेडिटेशन मीन्स गुड फीलिंग. अब आप कैसा फील कर रहे हैं गुड फील कर रहे हैं हाई फील कर रहे हैं पीसफुल फील कर रहे हैं पॉजिटिव फील कर रहे हैं कैंसर ओवर में आके तो
सब कुछ अच्छा ही फील कर रहे हैं? यस, सभी श्योर? यस। इसलिए जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो पूछते हैं हाउ आर यू फीलिंग, हम कभी ये नहीं पूछते व्हाट आर यू थिंकिंग, पूछते हाउ आर यू फीलिंग, क्योंकि फीलिंग से मुझे समझ में आ जाएगा आपका थॉट्स का ट्रैक कैसा है। तो जो ह्यूमन एनर्जी चाहती है उसके अनुसार थॉट्स हैं तो आप गुड फील करेंगे। तो आजकल कैसा फील कर रहे हैं? वाव, लाइफ ऐसी है, वाव, सब कुछ अच्छा, हाँ सब कुछ अच्छा लगता है, हर व्यक्ति अच्छा लगे, हर बात अच्छी लगे, हर मौसम अच्छा लगे, हर जगह अच्छी लगे, ऐसा है? जिस दिन आपको सब कुछ अच्छा लगने लगे समझ जाना आपका मेडिटेशन राइट है, आप उस दिशा में जाएंगे। ऑलवेज गुड फीलिंग, हाई फीलिंग, ब्यूटिफुल, वाव फीलिंग, और वो वाव फीलिंग आपकी जिंदगी में सारे एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव एंड वाव कराएंगे। चाहते हैं ना ऐसी लाइफ बनाना, ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते, सब कुछ बेस्ट, सब कुछ वाव? तो उसके लिए कैसा फील करेंगे, कैसा फील करेंगे? वाह। दुनिया में कई लोग एक दूसरे को विश करते हैं हाय, लेकिन हमारी आदरणीय दादी जानकी जी हम सबको सिखाती हैं हाय नहीं कहना है, वाह। क्या? वाह, सब कुछ वाह वाह। हाय तो दुख शब्द एक्सप्रेस करने के लिए है। अच्छा, कई लोग पूछते हैं क्या हालचाल है, तो क्या कहेंगे? हाल खुशहाल है और चाल फरिश्तों जैसी चाल है, ये दादी सिखाती हैं। तो अभी से क्या कहेंगे? वाह, वाव एंड वाह। तो राजयोग मेडिटेशन अर्थ आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है, आपने शुरुआत की है ज्ञान से। सबसे पहले आपने यहाँ कदम रखा, स्टे किया, आपको फर्स्ट सेशन में आपको ज्ञान मिला। कौन सा ज्ञान मिला? मैं आत्मा हूँ। सेकंड आपको ज्ञान मिला, मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो सबसे पहले है ज्ञान, सेकंड मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं बहुत ही शुद्ध, स्वच्छ और प्योर आत्मा हूँ। सेकंड प्योरिटी, कहते हैं प्योरिटी इज मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, जहाँ प्योरिटी है वहाँ शांति है, वहाँ खुशी है, और जहाँ ये चारों ही बातें हैं वहाँ है स्नेह, लव। जो व्यक्ति शांत है, सुखी है, खुश है, वही स्नेह दे सकेगा। जो दुखी है, अशांत है, परेशान है, वो दूसरों को भी क्या करेगा? परेशानी करेगा। इसलिए जहाँ शांति और खुशी है वहाँ है स्नेह, स्नेह माना एक्सेप्टेंस, सब कुछ अच्छा लगे, और जहाँ ये पांचों ही बातें हैं वहाँ है शक्ति, शक्ति माना पावर, पावर माना कोई फिजिकल पावर या पॉलिटिकल पावर की बात नहीं हो रही है, बट स्पिरिचुअल पावर, और जहाँ पावर है वहाँ है आनंद, अल्टीमेट ब्लिस, ब्लिस जहाँ आपकी खुशी, आपका आनंद किसी जगह पर, व्यक्ति पर, कोई बात पर, सिचुएशन पर डिपेंड नहीं है, पर आप इंडिपेंडेंट हैं, ऑलवेज हैप्पी। तो उस आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है? ज्ञान से। पहुँचना कहाँ तक है? ब्लिस तक। और ये सारे माइलस्टोन्स हैं, है ना, इतने सारे माइलस्टोन्स पार करके ये सब कुछ साथ लिए अल्टीमेट ब्लिस तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि अब हमारे अंदर सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। मेडिटेशन उसी तरह है जैसे आप बैटरीज को चार्ज करते हैं। बैटरीज डिस्चार्ज कब हो जाती हैं? जब उसके अंदर के केमिकल कंपोनेंट्स डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो आप जब उसे चार्ज करते हैं
तो अंदर केमिकल कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं और सब कुछ चार्ज हो जाता है। तो आज हम सब लोगों का, जब आप आए वहाँ से कैसे थे? डिस्चार्ज, सब कुछ डिसऑर्गेनाइज था, सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ तीसरा ही हैं, सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन यहाँ आके आपने वो टेक्निक सीखी कि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा तो बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी और हम ब्लिसफुल स्टेज तक पहुँच जाएंगे। तो अभी हम सभी उसी को एक्सपीरियंस करेंगे, साइलेंस में बैठेंगे कुछ मिनट और ब्लिस तक पहुँचेंगे। अपने आप से पूछो, मैं कौन सी आत्मा हूं? भीतर से उत्तर आएगा, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, बेदाग हीरा हूं, प्रकाश पुंज हूं, मेरा मन स्वच्छ हो गया है और मेरी बुद्धि दिव्य बन गई है। इसी दिव्यता में अनंत शांति महसूस कर रही हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मेरा मन स्थिर हो गया है और बुद्धि एकाग्र हो गई है। इसी एकाग्रता में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा इंद्रियों से परे स्वयं को सुखी महसूस कर रही हूं। सुखों का भंडार है, मैं खुश हूं। गुणों के साथ मैं आत्मा स्वयं को शक्तिशाली महसूस कर रही हूं। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, मुझे मनोबल प्राप्त हो रहा है। और बुद्धि स्थिर हो गई है। इसी स्थिरता में
असीम शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा शांति कुंड बन गई हूं, शांति से भरपूर, शांति के प्रकंपन मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रही है और मेरे आसपास का वातावरण शांत हो गया है, पूर्णतः शांति, सिर्फ शांति, बस शांति ही शांति। कुछ क्षणों के लिए इसी शांति में स्थित हो जाएं। शांति सागर